नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। नैनीताल से हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने संबंधित 8 मई के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जी हां, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर जस्टिस नरसिम्हन और जस्टिस करोल की पीठ ने यह आदेश दिया है। इसे लेकर अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है। आपको बता दें, उत्तराखंड उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय के नैनीताल से बाहर प्रस्तावित स्थानांतरण के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी, लेकिन उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन इस अदालत को नैनीताल से बाहर स्थानांतरित करने के कदम पर विरोध कर रहा है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 8 मई को राज्य सरकार से उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किए जाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह चिन्हित करने को कहा था, जिसे लेकर उच्च न्यायालय ने एक पोर्टल भी बनाया है, जिसमें इस मुद्दे पर लोग ऑनलाइन अपनी राय दे रहे हैं। इस राय से लोगों का मत स्पष्ट हो जाएगा और उच्च न्यायालय को नैनीताल से बाहर स्थानांतरित किया जाना चाहिए या नहीं। तो वहीं अपना पक्ष रखने के लिए देहरादून बार एसोसिएशन ने कैवियट भी दाखिल किया है और ऐसे में सभी पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। चीज तो ये है कि भाई, हमारा जो उत्तराखंड स्टेट की जो मांग थी, उत्तर प्रदेश में जो इसका सही से डेवलपमेंट इस क्षेत्र का आर्थिक और भौगोलिक और शैक्षिक रूप से नहीं हो पा रहा था, तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए जो है उसमें लड़ाई लड़ी गई थी। और उसके बाद जब उत्तराखंड राज्य की घोषणा हुई, तो उसमें मुख्य चीज़ें ये हुआ कि भाई स्टेट जो है वो राज्य की राजधानी कहाँ पर होगी और उसके बाद जो है हाईकोर्ट की स्थापना कहाँ पर होगी। तो पहले तो इसमें नैनीताल में इसकी सर्वे की गई थी, क्योंकि गवर्नर हाउस ब्रिटिश टाइम से नैनीताल में था, असेंबली भवन वहाँ पर था। और जब हमारे गोविंदलाल पंजी उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके नाम से ही अभी भी पंत भवन वहाँ पर बना हुआ है। मुख्यमंत्री वहाँ पर रहते थे, डी कॉलेज के पास में जो है वहाँ पर असेंबली भवन बना है। तो ये जो है कैपिटल की बातें जो थी, उसमें ये था कि नैनीताल में रहेगी, लेकिन कुछ परिस्थितियों के वजह से या कुछ जगह की कमी महसूस की गई, तो राजधानी जब देहरादून में उसकी घोषणा हो गई, तो उसके लिए फिर ये हुआ कि भाई हाईकोर्ट को क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने के लिए कुमाऊँ रीजन में जो है वो हाईकोर्ट दिया जाना चाहिए। तो उसके लिए पूरे कुमाऊँ के लोगों ने एकजुट होकर के अधिवक्ता और जितने भी सभी उसमें संयुक्त रूप से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे, सब ने और जनता ने जो है उसमें सहयोग किया था और उसमें सफलता प्राप्त हुई और हाईकोर्ट की स्थापना जो है वो नैनीताल में हुई। उसमें ये दिया गया है कि भाई यहाँ पर जो है हाईकोर्ट नैनीताल ज़िले में ही जो है, यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से हुआ है, प्रेसिडेंट के जिसमें दस्तखत हुए हैं। तो जब डेवलपमेंट और बैलेंस बनाने के लिए ये चीज़ हुई है, तो इधर विगत समय में एक हाईकोर्ट ने, जबकि उनके कोई मैटर कोई और था, किसी और मैटर में IDPL का जो ऋषिकेश का कोई मैटर और था, उसमें बीच में जो है उन्होंने इस मैटर को जो है हाईकोर्ट ने जो है टेकअप कर करके उसमें एक विवादास्पद जो है वो आदेश जो है पारित कर दिया था। क्या नाम है? राम सिंह बसेड़ा एडवोकेट। तो जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन 8 तारीख के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, उस पर स्थगन आदेश हमें मिल गया है। उस पर आगे जो भी सुनवाई होगी, और मुख्य विषय तो यही है कि भाई उत्तराखंड एक छोटे से राज्य में 2 बेंच नहीं होनी चाहिए, हमारा मुख्य मानना यही है। तो एक बेंच जो प्रधान पीठ नैनीताल में है, और उसको नैनीताल ज़िले में ही कहीं पर रहना चाहिए, यही हमारा कहना है। ठीक है। राज्य की जो 2 मेन कैपिटल होते हैं, एक जो होती है राजनीतिक कैपिटल है, एक जुडिशियल कैपिटल है। राजनीतिक कैपिटल अगर देहरादून में दी गई है, तो जुडिशियल कैपिटल जो है निश्चित रूप से कुमाऊँ क्षेत्र में होनी चाहिए। हल्द्वानी सबसे उपयुक्त प्लेस इसलिए है, या नैनीताल जिला इसलिए है, प्रदेश के हर जगह से जो है एक तो सेंटर पॉइंट है और सभी सुविधाओं से युक्त है, इसलिए नैनीताल ज़िले में ही, कहीं पर अन्यत्र हल्द्वानी क्षेत्र में अगर इसको शिफ्ट किया जाता है, तो मैं एक राज्य के नागरिक के तौर पर भी इसकी मांग करता हूँ। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को और दे दूँ, मैं बार काउंसिल का मेम्बर हूँ उत्तराखंड का। बार काउंसिल ने सर्वसम्मति से उत्तराखंड नैनीताल ज़िले में ही अन्यत्र हल्द्वानी क्षेत्र में हाईकोर्ट शिफ्ट करने का प्रस्ताव पहले ही पारित किया हुआ है। बार काउंसिल पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है। MS कोरंगा। उच्चतम न्यायालय ने उस आदेश पर रोक लगा दी है, उसमें स्थगन आदेश पारित करा है, जिस आदेश के द्वारा माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मतगणना करने के लिए कहा था, और भी उसमें बहुत से अलग अलग अपने निर्देश दिए थे। तो हम तो इसका स्वागत करते हैं,
क्योंकि हमारे महासचिव सौरभ अधिकारी जी के द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती दी गई। तो समस्त बार एसोसिएशन है पूरे उत्तराखंड की हमारे साथ हैं और हमें लगता है कि हम इसमें सफलता पाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने, हमारे उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 8 तारीख को एक आदेश पारित किया। उस आदेश में आपने देखा होगा कि पब्लिक रेफरेंडम का एक शब्द जहाँ पर लिखा था, तो उसको मैंने एक चुनौती दी और कल हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस आदेश को, इस मैटर को सुना और मैटर सुनने के बाद उन्हें जब देखा तो उन्हें लगा कि ये मैटर में स्टे होना चाहिए, तो स्टे भी हमें प्राप्त हुआ है और अभी अगली सुनवाई आपकी जुलाई में है। तो अब मैटर तो जब सब जुडिस अगर कोर्ट में हो जाता है तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है, जैसे कि आप सभी लोग को पता है, आप भी काफ़ी कवरेज लेते हैं। तो अब बाकी हमें पूरा विश्वास है उच्चतम न्यायालय बहुत अच्छा डिसीजन इसमें देगी और जो पक्षकार है उनको अपना जवाब देने के लिए कहा है, पक्षकार का जो भी जवाब होता है उसके बाद हमारा भी जवाब जाएगा। तो प्रोसीडिंग अभी पेंडिंग है और बस यही मैं कहूँगा कि जो भी हमें आगे लगेगा और जो भी हमारे लिए होगा अच्छा होगा, सभी के लिए अच्छा होगा। सौरभ अधिकारी, महासचिव। ये थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।